राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन की नीलामी का एक विज्ञापन सामने आया है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी और सीएम भजनलाल शर्मा को जमकर घेरा है। गहलोत ने कहा है कि विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई को उजागर कर रहा है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किए गए वादे को याद दिलाया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, मगर अब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट डालकर कहा है कि किसान विरोधी बीजेपी सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली, इन्हें किसानों की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था, पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से कहना चाहता हूं कि अविलंब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी को रोककर किसानों को राहत दी जाए, इसके साथ ही आगे नीलामी ना हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया जाए। अशोक गहलोत ने बताया कि नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने यह बिल केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दिया था, मगर अभी तक किसी केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है। उन्होंने कहा किसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केंद्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने यह बिल केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था, परंतु अभी तक इसे केंद्र सरकार ने अनुमोदन नहीं मिला है। अशोक गहलोत ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि लोकसभा चुनाव में बने माहौल को देखकर लग रहा है कि अब जनता खुद एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। भले ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटेन का शासन रहा हो, भारत की जनता ने कभी भी तानाशाही और अहंकार को पसंद नहीं किया और उसके खिलाफ हमेशा उठ खड़ी हुई। चुनावों के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मैंने यह माहौल महसूस किया। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मुझे यह खुशी है कि एनडीए सरकार के खिलाफ इस माहौल की शुरुआत राजस्थान से हुई, जहां पहले चरण में ही जनता ने सबक सिखाने की शुरुआत की। हर चरण के साथ भाजपा और एनडीए की स्थिति खराब हुई है। यदि भाजपा 200 सीटों से भी नीचे रह जाए तो देश को कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल ये मामला हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन की नीलामी से मामला जुड़ा है, जहां जिले में इसे लेकर एक विज्ञापन छापा गया है, जिस पर अशोक गहलोत ने सरकार को जमकर घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।